हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे एंशियन हिस्ट्री और उसमें मौर्य वंश के जो शासक थे बिंदुसार, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने यह देखा था कि बिंदुसार ने, जो उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य जीते थे, उनको किस प्रकार से कायम रखा और कुछ साम्राज्य जो है अपने राजवंश में उन्होंने मिला लिए थे। आज हम बात करेंगे बिंदुसार के पुत्र अशोक की और देखेंगे अशोक द्वारा क्या क्या कार्य किए गए और मगध साम्राज्य, जो कि इतना शक्तिशाली साम्राज्य था, उसको किस प्रकार से इन्होंने बनाए रखा और साथ में ही किन किन प्रदेशों को अशोक ने जीता था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 273 BC में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। और बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ा था कि बिंदुसार की 16 पटरानियां थीं और जिनसे 101 बच्चे जो है बिंदुसार के होते हैं। तो यह बात बौद्ध ग्रंथों में लिखी हुई है, हालांकि कुछ इस बात से सहमत नहीं है। तो बौद्ध ग्रंथों में बताया जाता है कि 16 पटरानी और 101 बच्चे थे बिंदुसार के। तो उन्हीं में से सबसे बड़ा पुत्र जो था वह था सुसीम, और उसके बाद जो एक पुत्र होता है वह था अशोक। तो लास्ट वीडियो में हमने यह भी देखा था कि यह तो तय पहले ही हो चुका था कि अशोक ही काबिल है किसके मगध साम्राज्य पर सत्ता जो है चलाने के लिए, क्योंकि जब तक्षशिला में कुछ विद्रोह हो जाते हैं तो सुसीम उनको नहीं दबा पाता है। साथ ही बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को भेजते हैं कहाँ पर, तक्षशिला। तो उन विद्रोहों को अशोक जो है बड़ी आसानी से दबा देता है। तो यहाँ से एक रास्ता जो है वह तय था कि अशोक ही भविष्य में मौर्य वंश की राजगद्दी पर बैठेगा और अच्छी तरह से सत्ता को जो है चला सकता है। और हालांकि हुआ भी ऐसा, जब 273 BC में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 269 BC में अशोक जो है राजगद्दी पर बैठता है। तो यहाँ 273 मतलब 273 से लेकर 269 तक 4 साल का गैप हो जाता है। तो यह जो 4 साल का गैप था, वह वास्तव में यह बताया जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कि अशोक के जो 99 भाई थे, उनमें से 99 भाइयों का कत्ल कर देता है कौन, अशोक, और अपनी राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल करता है। तो जब यह 4 साल का गैप बेसिकली इसी वजह से हुआ, इसी 4 साल के बीच में उसने अपने भाइयों की मृत्यु की और स्वयं जो है राजगद्दी पर बैठा। इसलिए यहाँ जो 269 BC में अशोक मगध का शासक बन जाता है। तो यहाँ हम याद रखेंगे कि यहाँ 4 साल का गैप हो जाता है 273 से और 269 BC तक। तो फाइनली 269 BC में अशोक राजगद्दी पर बैठ जाता है। और यह भी बताया जाता है कि अपने पिता बिंदुसार के समय अशोक जो है अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। तो अवंती MP वाला इलाका था, तो जो महाजनपद थे अवंती, तो वहीं पर क्या होता था, अशोक अपने पिता बिंदुसार के समय वहाँ का राज्यपाल हुआ करता था। और 269 BC में अपनी पिता की मृत्यु के बाद यह राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब मैं बात करूँगा अशोक के नाम व उपाधियों की। तो अशोक के अलग अलग नाम जो है हमें ग्रंथों में मिलते हैं। और हमने यह देखा था कि जिस प्रकार से ईरानी आक्रमण जो हुए थे, तो ईरानी आक्रमणों में से जो दारा प्रथम थे या फिर डेरियस प्रथम थे, वहीं से अशोक को शिलालेख लिखने की यह जो है पता चला था। और यहीं से इस प्रवृत्ति को उसने अपनाया था शिलालेख लिखने की, को जिससे कि इतिहास को पढ़ना जो है बड़ा आसान हो जाता है, या फिर मौर्य वंश के बारे में हमें एक अच्छी जानकारियां जो है प्राप्त हो जाती हैं। तो अशोक के कुछ शिलालेख हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं अभिलेख, तो टोटल अप्रोक्स 40 अभिलेख जो है मौर्यकालीन या फिर अशोककालीन मिले हैं, जिनमें से 14 जो है शिलालेख हैं और 7 स्तंभ लेख भी उनमें से हैं। तो 14 शिलालेखों में से 2 शिलालेख ऐसे हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक ही बताया गया है। तो यहाँ से अशोक का नाम अशोक जो है वह पता चलता है 2 शिलालेखों से। और साथ में मैं बात करूँ तो अशोक जो है सबसे ज़्यादा जो फेमस थे वह था शब्द देवाना प्रियम। तो देवाना प्रियम नाम से अशोक फेमस थे। और मोस्टली जो अभिलेख हैं उन पर अशोक ने स्वयं लिखा है कि मैं राजा देवाना प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय। तो अशोक ने देवाना प्रिय की उपाधि जो है धारण की थी, या फिर अपना नाम जो है देवाना प्रियम रखा था, जिसका के अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या फिर देवताओं का प्यारा। तो अशोक का नाम अशोक जो है 2 शिलालेखों से मिलता है, और मोस्टली शिलालेखों से इसका नाम जो है देवाना प्रियम मिलने की जो बात ग्रंथों में मिली है।
साथ ही मैं बात करूं, अशोक ही यह पहला शासक था या फिर अशोक ही यह पहला राजा था जिसने एक उपाधि धारण की थी और वह थी सम्राटों का सम्राट। तो भारत का एकमात्र राजा या फिर पहला राजा जिसने यह उपाधि धारण की थी सम्राटों का सम्राट। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सम्राटों का सम्राट जो है उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी, तो वह थे राजा अशोक। अब मैं बात करता हूँ अशोक के जीवन काल से जुड़ी घटनाओं की। तो अशोक ऐसा राजा था जिसने अपना राजगद्दी पर बैठने के बाद भारत में एक भी युद्ध जो है इसने नहीं हारा था। अशोक अपना युद्ध जो है निरंतर लड़ते चले गए और हर युद्ध में विजय हुई थी अशोक की। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब 269 BC में अशोक जो है राजा बनते हैं और अपने 8 वर्ष जो है यह पूरे कर चुके होते हैं राजा बनने के बाद। जब अशोक 9वें वर्ष में प्रवेश करता है तो यह इनकी नज़र जो है दक्षिण भारत पर पड़ती है। जब इनकी नज़र दक्षिण भारत पर पड़ती है तो यह क्या करते हैं, कलिंग विजय के सपने लेते हुए और दक्षिण भारत में चले जाते हैं और कलिंग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि हमने देखा था इससे पहले कि महापद्मनंद जो नंद वंश का संस्थापक था उसने भी कलिंग विजय की थी। और कलिंग विजय में क्योंकि महापद्मनंद जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था और वहाँ से जिन सैनिक की मूर्ति को लेकर मगध में आ गया था। तो इससे पहले भी जो कलिंग था उसको जीत चुका था कौन, महापद्मनंद, और जहाँ से जिन सैनिक की मूर्ति को वह लेकर आ गया था। और इसका विवरण जो मिलता है वह हमें मिलता है खारवेल की गुफाओं से। तो उसी क्रम में जब अशोक राजा बनता है तो अशोक ने भी कलिंग पर विजय की और 261 BC में एक भीषण युद्ध होता है जिसको कि हम कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कलिंग, इसी का नाम जो है उड़ीसा है, उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। तो 261 BC में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं कलिंग का युद्ध या फिर कलिंग विजय। तो कलिंग विजय एक ऐसा युद्ध था या फिर यह एक ऐसा टाइम था जो अशोक के जीवन का, जहाँ से कि अशोक की नीतियाँ जो हैं परिवर्तक होना शुरू हो जाती हैं। तो अशोक पहले युद्ध लड़ता था लेकिन कलिंग विजय के बाद एक्चुअली हुआ क्या था, जब अशोक कलिंग विजय में गया, कलिंग युद्ध पर गया, तो वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में नरसंहार हुआ। बताया जाता है कि लगभग 1 लाख जो व्यक्ति थे वह मारे गए थे। तो 1 लाख व्यक्ति जो है इस कलिंग युद्ध में मारे गए थे, 1.5 लाख से ज़्यादाओं को बंदी बना लिया गया था और लाखों लोग जो है बर्बाद हो गए थे। तो कलिंग की विजय के बाद जब युद्ध क्षेत्र में अशोक जाते हैं तो अशोक लोगों को रोता बिलपता देखते हैं जिससे कि उनकी आत्मा जो है वह भर आती हैं और हृदय परिवर्तन होता है किसका, अशोक का। तो यही कलिंग विजय के बाद अशोक जो है अपनी युद्ध की नीति को छोड़कर धर्म की नीति को अपना लेते हैं और वही फैसला करते हैं कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो ऐसी बातें जो हैं यह लिखी हुई हैं अशोक के 13वें शिलालेख में। आगे हम पढ़ेंगे जो अशोक के अभिलेख थे उनमें से जो कितने शिलालेख थे, कितने स्तंभ लेख थे। तो जो 13वां शिलालेख था उससे यह जानकारी प्राप्त होती है किसके बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में, कि यहाँ से कलिंग युद्ध में इतने लोग मारे गए थे और यहीं से जो है इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और यहीं से क्या कर देते हैं, कलिंग विजय के बाद ही अशोक जो है वह धम्म घोष की जगह, जो बेरी घोष था उसकी जगह धम्म घोष की नीति को अपना लेते हैं। तो बेरी घोष और धम्म घोष क्या था ये हम समझते हैं। तो बेरी घोष बेसिकली एक बेरी शब्द जो है यो होता है युद्ध के लिए। तो बेरी घोष मतलब युद्ध की नीति। उसके बाद अशोक इस बेरी घोष की नीति को छोड़ देते हैं और यह अपना लेते हैं धम्म घोष। धम्म घोष अर्थात धर्म की नीति और धर्म के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बेरी घोष और धम्म घोष की नीति का जो विवरण है वह कहाँ से मिलता है, तो यह मिलता है अशोक के 4थे शिलालेख से। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और चौथा शिलालेख जो है वहां से यह पता चलता है कि अशोक ने बेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया था। तो जब कलिंग युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद अशोक जो है एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से मिलते हैं। तो उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु से मिलते हैं कौन, अशोक। और यहीं से बौद्ध धर्म का ज्ञान जो है अशोक लेते हैं किससे, तो उपगुप्त से। तो यहाँ से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं और अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। अब मैं बात करूंगा अशोक जब बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं तो अशोक ने बौद्ध धर्म के उत्थान प्रचार के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो इनके क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या-क्या कार्य किए। तो सबसे पहले आता है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। तो जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने दरबार में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। बेसिकली धर्म महामात्र जो थे यह
धर्म का उत्थान, प्रचार व धर्म के प्रचार के लिए नीतियाँ बनाते थे। तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता है अशोक अपने दरबार में और इनके माध्यम से धर्म की नीतियाँ बनाई जाती थी और हर 5 वर्ष पर घूम घूम कर बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार किया जाता था। तो सबसे पहला जो है वह कार्य था धर्म महामात्रों की नियुक्ति। उसके बाद में बात करूं, अशोक का एक पुत्र होता है महेंद्र और पुत्री होती है संघमित्रा। तो अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा जाता है। तो श्रीलंका या फिर मैं कहूँ सिंगल द्वीप, तो श्रीलंका या सिंगल द्वीप में अशोक ने अपने पुत्र और अपनी पुत्री महेंद्रा और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका के राजा जो होते हैं उस समय पर होते हैं तिस। तो तिस्स जो हैं श्रीलंका के शासक होते हैं या फिर राजा होते हैं और इनके यहाँ पर अपने पुत्र और पुत्री को भेजते हैं किसके लिए, तो धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। तो वहाँ पर जब इनके पुत्र और पुत्री जाते हैं तो यह क्या करते हैं, बोधगया से बोधि वृक्ष की एक टहनी लेकर जाते हैं। तो इनके पुत्र और पुत्री बोधगया से बोधि वृक्ष की टहनी लेकर जाते हैं जिसको के श्रीलंका के राजा तिस्से को यह सौंप देते हैं। और वहाँ पर भी जो श्रीलंका का राजा था वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो हम आज भी देखते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित धर्म है। तो सबसे पहले महेंद्र और संघमित्रा जो हैं श्रीलंका जाते हैं और वहाँ पर जो भी क्या है बोधि वृक्ष को आरोपित करते हैं और यह बोधि वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। तो एक बोधि वृक्ष बोधगया में है, उसी की टहनी लेकर जाते हैं ये दोनों। तीसरी बात करूं तो जो अशोक की पुत्री थी संघमित्रा उनको या फिर नेपाल के रास्ते नेपाल की यात्रा पर भेजते हैं और नेपाल के राजा भी इनकी उसमें आकर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे पहले पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजते हैं और उसके बाद यह भेजते हैं अपनी पुत्री संघमित्रा को नेपाल। इन सब के बावजूद अशोक ने क्या किया, खुद भी धर्म प्रचार या फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे कार्य किए और खुद यात्राओं पर निकल गए। तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि 9वें वर्ष में उनके शासनकाल में कलिंग युद्ध होता है और 9वें वर्ष के बाद ही वह बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, तो अपने शासनकाल के 10वें वर्ष से अशोक जो है बौद्ध धर्म की यात्राओं पर निकलना शुरू कर देते हैं, जिसी के क्रम में 10वें वर्ष में वह सबसे पहले बोधगया गए। और बोधगया वही स्थान था जहाँ पर गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो 10वें वर्ष में अपनी यात्राओं में सबसे पहले बोधगया जाते हैं, उसके बाद यह जाते हैं कुशीनगर जहाँ के महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। 20वें वर्ष में सम्राट अशोक जो है अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में रुम्मनदेई एक लुम्बिनी में जगह है वहाँ पर जाते हैं और यहाँ रुम्मनदेई वही स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली थी। तो रुम्मनदेई का एक अभिलेख जो है वह मिलता है रुम्मनदेई में और वहीं उस अभिलेख में यह भी लिखा हुआ है कि महात्मा क्योंकि रुम्मनदेई या लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली है तो यहाँ पर अशोक ने उस शिलालेख में यह लिखवाया है कि यह महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली है, अर्थात यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर जो भी टैक्स लगते हैं वह टैक्स माफ़ कर दिए जाएंगे। तो 1/8 जो टैक्स जो लोगों के ऊपर आरोपित होता था किसानों के ऊपर, तो उन्होंने कहा था यह भूमि महात्मा बुद्ध की भूमि है तो यहाँ के लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि रुम्मनदेई के शिलालेख में क्या लिखा गया है, तो वह टैक्स माफ़ करने की बात जो है लिखी गई है। उसके बाद अशोक जो है कपिलवस्तु जाते हैं, सारनाथ जाते हैं और श्रावस्ती भी अपनी यात्रा पर जाते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। पांचवा हम बात करेंगे तो अशोक जो है अपने धर्म प्रचार के लिए बहुत सारे शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेखों का निर्माण कराते हैं। तो ये जो शिलालेख या फिर अभिलेख लिखने का जो उनका वो था वो दारा प्रथम से उन्होंने सीख ली थी। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे अभिलेखों का वर्गीकरण। तो जो अशोक के अभिलेख हैं वह कई प्रकार के अभिलेख जो है हमें मिलते हैं, तो उनके वर्गीकरण में 3 तरह से हम उनको देखेंगे। सबसे पहले आते हैं शिलालेख। तो शिलालेख होते क्या हैं कि पत्थरों के ऊपर जो नैतिक बातें जो हैं लिखवा दी जाती हैं उन्हीं को बोला जाता है शिलालेख। तो आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे, जैसे हम माउंटेन्स में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी कोटेशंस लिखी होती हैं, तो इसी प्रकार से जो कोटेशंस जो लिखी जाती थी उन्हीं को बोलते हैं शिलालेख, मतलब पत्थरों पर एक नैतिक बातें जो हैं वह अशोक लिखवाते थे। तो ऐसे शिलालेखों की संख्या 14 है। तो अशोक के टोटल 14 शिलालेख जो हैं अभी तक प्राप्त कर लिए गए हैं। उसके बाद आते हैं अभिलेखों के वर्गीकरण में, हम देख रहे हैं अभिलेख, अभिलेख में 14 शिलालेख हैं और 7 स्तंभ लेख जो हैं अशोक कालीन मिले हैं। तो 7 स्तंभ लेख मिले हैं। स्तंभ लेख क्या होता है, पिलर होता था। अब पिलर पर जो नैतिक बातें लिखवाई जाती थी वहाँ से उन बातों का
ऐसे सात स्तंभ लेख मिले हैं, मतलब सात आदेश जो हैं स्तंभों पर लिखे हुए मिले हैं, यह किसके हैं? अशोककालीन है। और साथ ही तीन गुहा लेख भी प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के अभिलेखों के वर्गीकरण में हम देखेंगे 14 शिलालेख, सात स्तंभ लेख और तीन गुहा लेख जो हैं अशोककालीन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सम्राट अशोक का यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस शिलालेख में क्या बात दी गई है या फिर किस स्तंभ लेख में क्या क्या लिखा गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।